यूपी के बागपत जिले में एक बार फिर तस्करों और माफियाओं की धमकियों से परेशान आरएसएस के ललियाना मंडल कारवां के परिवार ने पलायन की चेतावनी देते हुए अपने मकान के बाहर मकान बिकाऊ लिख दिया है और पूरा परिवार पिछले दो दिनों से दहशत में जी रहा है, क्योंकि गांव के ही रहने वाले दबंग किस्म के लोग परिवार को पलायन नहीं करने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वही मकान पर लिखे हुए पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा है और मौके पर पहुंचे सीओ खेकड़ा पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला थाना चांदी नगर क्षेत्र का है, जहां गोना गांव में रहने वाले अमित शर्मा पिछले काफी समय से आरएसएस में ललियाना मंडल के प्रभारी हैं। गोना गांव से थाना चांदी नगर जनपद बागपत का निवासी हूं। मैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से मंडल कारवा ललियाना मंडल का मंडल कारवा हूँ। ये हमने अभी गो हत्या की शिकायत करी थी एसपी साहब से, तो उसके चलते, और ये हिरण का भी शिकार करते हैं उसकी भी शिकायत की थी हमने, उसके चलते ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो इस कांड में जो सम्मिलित हैं वो हमें आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं व गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इससे प्रतिपादित होकर हम गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम एक दो दिन में गाँव से पलायन कर जाएंगे, गाँव छोड़ देंगे। ये धमकी देने वाले साजिद पुत्र नवाबली, साजिद पुत्र इब्राहिम, नाजम पुत्र जिलेदीन, जिले पुत्र फतेहदीन, नवाबली पुत्र फतेहदीन, आस मोहम्मद पुत्र इस्लामू, राहिल पुत्र इस्लामू और मौसम पुत्र खजान है जी। पलायन की इन्होंने, कल ग्राम प्रधान का लड़का आया था और उसके साथ 8-10 आदमी थे, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं वो सब हमें यहाँ से गांव छोड़ने की धमकी दे के गए हैं, कह के गए हैं कि गांव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। उससे हम मजबूर हैं, आहत हैं, हम परेशान हैं। हम अगर किसी प्रशासन को करी, मैंने इसकी शिकायत अभी किसी से नहीं करी है, कल शाम की ये घटना है। मैं शिकायत के लिए जाने की सोच रहा था, अभी मेरा बड़ा भाई घर पर नहीं है, मैंने बड़े भाई को पहले मैंने गोकशी की और हिरण तस्करी की कर रखी है, हिरण के शिकार जो सिंग विंग तस्करी करते हैं, अभी हमें खतरा बना हुआ है, किसी भी टाइम हमारे घर पे हमला कर सकते हैं, बलवा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्षेत्र के गौना गांव का प्रकरण है, जिसमें कि अमित शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनका एक साजिद अली जो उनके पड़ोस में खेत है, उनसे पानी को लेकर के आपस में कहासुनी हुई, बातचीत हुई है, जिसमें कि इनके बीच में जो अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है अमित शर्मा की तहरीर पर, और कार्यवाही, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर गांव में पूर्णतया शांति है, क्षेत्र अधिकारी द्वारा मौके का भ्रमण कर लिया गया है और जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई है वो शीघ्र ही सुनिश्चित कराई जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन